हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिविजन। आज अंडरराइटिंग एंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी TY BCOM एंड TY BAF के लिए। TY BAF को ऑलरेडी सेमेस्टर 5 में हो चुका टॉपिक है और TY BCOM को सेमेस्टर 6 में आने वाला टॉपिक है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसके पुराने वीडियोस भी है, बट नया वीडियो देखना है तो नया वीडियो भी देख सकते हो। कुछ भी कंसेप्ट चेंज नहीं है, पुराने वीडियोज हो या नए वीडियोज है, ऑल आर सेम। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक के बारे में जानते एंड देन विल स्टार्ट विद द सम। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का मतलब, एनी वन इन द क्लास जिसको अंडर राइटिंग के बारे में कुछ नॉलेज है तो कम, कुछ कम मतलब नीचे लिखने का, कम करने का। अच्छा ठीक है, गलत है। और कोई ठीक है, ओके कोई नहीं। मैंने सोचा कि मेरे को मेरा एक मोबाइल फोन बेचने का है। ठीक है, ध्यान से देना सना, मेरे को मेरा मोबाइल फोन बेचने का है। मैं बेचने निकाल रहा हूँ। दीपिका सेलफोन चाहिए? नहीं सर। सना सेलफोन चाहिए? नहीं सर। सुहानी सेलफोन चाहिए? नहीं सर। अभी तक सेलफोन चाहिए? नहीं सर। मैं बेचने जा रहा हूँ लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। उतने में आसिफ मेरे पास आया। मैंने देखा, सर आप सेलफोन बेच रहे, कोई ले रहा नहीं आपसे। बोला, हाँ यार सेलफोन बेच रहा, कोई ले ही नहीं रहा मेरे से। मैं बेच के देता हूँ ना सर, आपसे नहीं बिकेगा, बोल वचन देना पड़ता है। अब आसिफ ने सेलफोन लिया और मेरे को क्या बोलता है, सर आपका सेलफोन मैं बेच के दूंगा लेकिन थोड़ा कमीशन दे देना मेरे को। जरा ध्यान से सुनना, तो इसने मेरा सेलफोन बेचने का गारंटी लिया। क्या आपसे नहीं बिक रहा है, मैं बेच के देता हूं। अब इसने मेरा सेलफोन लिया, पूजा के पास गया। पूजा iPhone 13 है, ब्रांडेड है, अभी तक एक भी दाग नहीं है, नो स्क्रैच नथिंग, टेम्पर्ड ग्लास जिस दिन लिया उसी दिन चिपकाया हुआ, आज तक निकला नहीं है। इसका चार्जर नया का नया है, कैमरा तो क्या क्लियर है। ये बोल बचन डाल रहा है, सामने वाला खरीदेगा, हाँ या नहीं, क्लियर। अब इससे बेच दिया तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, ये तो हो गया बेचने का एजेंट जैसा काम, बराबर है। तो जो एजेंट लोग होते हैं उनका काम क्या होता है, चीजों को बेच के देना और रिटर्न में कमीशन चार्ज करना। ठीक है, अभी हम बात करें हमारे टॉपिक का अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। एक कंपनी को मार्केट में शेयर्स बेचना है, कंपनी को शेयर्स बेचना है, शेयर्स बिक ही नहीं रहे, तो हमने अपॉइंट किया अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर्स का मतलब होता है वो पर्सन जो कंपनी के शेयर्स बेच के देते हैं, एजेंट आपको समझाने के लिए, बट उसे हम लोग अंडरराइटर्स कहते हैं। जो शेयर्स डिबेंचर बेचते हैं उनको एजेंट नहीं कहते, उसे अंडरराइटर्स कहते हैं। समझ में आया? तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, आपको शेयर्स बेच के देगा, किसको बेच के देगा, कंपनी को है? कंपनी के शेयर्स बेचेगा, वो बेचेगा पब्लिक को, लेकिन किसको बेच के पैसा देगा, कंपनी को। अब जरा ध्यान देना, मेरे 1,00,000 शेयर्स बेचने गए, आसिफ आया, बोला सर मैं बेच के देता हूँ ना। मतलब कितने शेयर बेचेगा, कितने बेचने गए सर आपको, मतलब 1,00,000? नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा है, मैं 20,000 शेयर्स बेच के दे सकता हूँ। 1,00,000 में से मैं आपको कितने शेयर बेच के दे सकता हूँ, 20,000। कहानी समझो, सम्स बहुत ईजी है। अंडरराइटर एक आया आसिफ मेरे पास, उसने क्या बोला, 20,000 शेयर्स मैं बेच के दूंगा सर, अभी भी 80,000 बेचने का बाकी है। सर मेरा दोस्त है दिनेश, मेरे साथ रहता है, उसके अंदर भी सेम टैलेंट है, बोल बचन बहुत देता है, वो भी बेच के देगा, उसको भेजू क्या आपके पास? बोला भेज, दिनेश आया। सर कितने शेयर बेचने के? बोला 1,00,000 बेचने दे, 20 तो उसने बेच दिया, 80 सर मैं बेच के दूंगा सर, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा चल रहा है धंधा, 30,000 बेच के देता हूँ। 80 बेचने का था लेकिन उसने कितने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, 30, अभी भी 50 बेचने का बाकी है। तो आसिफ और दिनेश दो अंडर राइटर हुए,
एक ने बोला 20 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, एक ने बोला 30 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ठीक है। दिनेश बोला सर टेंशन मत लो, मेरे पास मेरा फ्रेंड है उसका नाम है सुहानी मेरी फ्रेंड है सर, उसमें मतलब टैलेंट ऐसा ना, वो देखती है शेर बिक जाएगा सर, बहुत टैलेंटेड है, उसको भेजो कि आपके पास आई। सुहानी आई बोली सर मैं सुना आपको शेयर भी बेचने का, बना बेचने का, कितने बेचने का? मतलब बेचना 1,00,000 था, बट वो आसिफ करके है वो अंडर राइटर, उसने बोला 20 बेच देगा, तुम्हारा दोस्त दिनेश ने बोला वो 30 बेच देगा, तुम कितना बेचोगे? सर कितने बचे? मतलब 50, लाओ मैं बेच देती हूँ। पूरे 50 बेचने की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है इसे कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। 1,00,000 शेयर्स बेचने थे, 1,00,000 में से 20 किसने ले लिया? आसिफ ने। 30 किसने ले लिया? दिनेश ने। 50 किसने ले लिया? सुहानी ने। तो 20, 30, 50, 2, 3, 5, 4-4 0 सबके कम हो गए ना, बात समझ में आया क्या? मतलब इस तरह से मैंने क्या फाइंड किया? ग्रॉस लायबिलिटीज। क्या फाइंड किया मैंने? ग्रॉस लायबिलिटीज। क्लियर है? टोटल मुझे कितने शेयर्स बेचने थे? 1,00,000 शेयर्स बेचने थे। बिके कितने? एक भी नहीं, बट बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है कि भाई अगर आपको 1,00,000 शेयर्स बेचने हैं, 1,00,000 शेयर्स मुझे बेचने हैं, इसमें से मेरे पास 3 अंडर राइटर है, आसिफ, दिनेश, सुहान। आसिफ ने क्या बोला? सर 20,000 मैं ले लूंगा, 30,000 मैं बेच दूंगा और 50,000 सुहानी बेच देगी। तो इस बेसिस पे मेरे को रेशियो मिल जाएगा 2:3:5। मतलब जो शेयर्स का बंटवारा होगा वो 2:3:5 में होगा। इन्होंने मेरे से बात किया, बोले सर शेयर्स मैं बेच ही दूंगा, मेरे आदमी को भेजूंगा, उनको देते रहना शेयर्स, ठीक है। अब आसिफ अपने एरिया में चला गया, दिनेश अपने एरिया में चला गया, सुहानी अपने एरिया में चली गई, और उधर बोल रही है एक बोर्ड लगा दिया है, शेयर्स मिल रहे इस कंपनी के, कुछ भी प्रॉब्लम मेरे से कॉन्टैक्ट करो। आसिफ के पास भी लोग जा रहे, दिनेश के पास भी लोग जा रहे, सुहानी के पास भी लोग जा रहे। आसिफ के पास प्रिया गई एक दिन दुकान में, बोले क्या है शेयर्स? अरे पैसा लगा, बहुत इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कैसे खरीदने का? तो आसिफ बोला देख मैं एक लेटर लिख के देता हूँ, उस कंपनी के पास जा, बोलना मैं आसिफ की तरफ से आई हूँ, तेरे को जितने शेयर्स खरीदने के उतने बोल दे, मैं इस पे लिख देता हूँ। तो ये बोली मेरे को 10,000 शेयर्स खरीदने के। तो आसिफ ने उसके लेटर पे लिखा नाम आसिफ, कस्टमर का नाम प्रिया, 10,000 शेयर्स मेरे पास आया एप्लीकेशन। ओ ये तो आसिफ का है, आसिफ ने बोला था उसमें 10,000 शेयर्स बिक गए, ऐसे दिनेश का भी आएगा, ऐसे सुहानी का भी आएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं मार्क एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। अब वो मार्क्ड एप्लीकेशन किसका है? आसिफ का, आसिफ का है, दिनेश का, दिनेश का है, सुहानी का, सुहानी का। जो भी मार्क्ड एप्लीकेशन है हम उसमें से ही माइनस करेंगे कि भाई 20,000 बेचने का था, 20,000 में से 10,000 आसिफ ने बेच दिया, 15,000 दिनेश ने बेच दिया, 30,000 सुहानी ने बेच दिया। अभी भी शेयर बेचने का बाकी है, है नहीं? अब जैसे इसका 10,000 बेचने का बाकी है, इसका 15,000 बेचने का बाकी है, इसका 20,000 बेचने का बाकी है, बराबर है? अब शेयर्स बिकी नहीं रहे, अब शेयर्स बिकी नहीं रहे। मैंने भी मार्केट में लगा के रखा हमारी कंपनी के शेयर्स बिकने वाले, तो मेरे पास भी एप्लीकेशन आया, लेकिन क्या वो एप्लीकेशन में किसी का नाम रहेगा? नहीं, इसे हम लोग कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन मैं किसको दूं? आसिफ को दूं, दिनेश को दूं या सुहानी को दूं? वो डिसाइड कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी लेट, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया है वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन मैं क्या करूंगा? रेशियो निकालूंगा, और वो रेशियो क्या है? GLR। जितने भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन होंगे हम उसको इसमें, इसमें और इसमें बांट देंगे, मतलब माइनस, क्योंकि अभी उनसे से शेयर बिकने वाला नहीं है, जितना बिकने वाला था वो तो मार्क्ड हो गया, अब जो बच गया वो मेरे अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन सी रेशियो में बटेगा? क्योंकि मेरे नाम पे भी तो शेयर्स खरीदने आएंगे, और जो मेरे नाम पे खरीदने आएंगे उसे हम लोग कहेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे पास शेयर्स नहीं है, शेयर्स तो उन तीनों के पास है, मेरे को उन तीनों के साथ ही एडजस्ट करना है। तो उसको मैं कौन से रेशियो में डिवाइड करूंगा? GLR। दैट्स इट, खत्म हो गया टॉपिक। शेयर्स बेचने थे, इतने मार्क थे, इतने अनमार्क थे, माइनस कर दो, जो आया बैलेंस वो तुम्हारा शेयर्स का बैलेंस है, कि वो शेयर्स नहीं बिक रहे तो तुमको खरीदने पड़ेंगे।
किसको खरीदने पड़ेंगे? अंडरराइट। क्यों? तुमने तो गारंटी लिया था शेयर बेचने का, तुम खरीदो। बात समझा? क्लियर है? बस इतना ध्यान रखो, इसके बेसिस पे तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा। डन है तो स्टार्ट किया जाए। छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते आज के लिए, देखते क्या दिया है। टेक्स्ट बुक में रहेगा ये, आयनापुरी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन रहेगा। चैतन्य लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू किया? मतलब कितने शेयर बेचने? 40,000। इशू इज अंडर रिटन बाय ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 40,000 शेयर बेचने थे, तीन अंडर राइटर मेरे पास है ए बी सी, और तीनों ने बोला पांच शेयर मैं दूंगा, तीन शेयर मैं दूंगा, दो शेयर, मतलब रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। तो हम 40,000 को इस रेशियो में बांटेंगे, और जो बांटेंगे जो आंसर आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, ग्रॉस लाइबिलिटीज। समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, फॉर्मेट बना लिया। ध्यान दो, पहला है इसलिए बेसिक से करवा रहा हूं, स्टेप कंपलसरी नहीं है लिखना, यहां पे स्टेप का कॉलम कंपलसरी नहीं है। पर्टिकुलर जितने भी अंडर राइटर्स है उतने अंडर राइटर्स के कॉलम, बेसिस एंड टोटल, दैट्स इट। स्टेप कंपलसरी नहीं है, पर्टिकुलर अंडरराइटर ए बी सी, बेसिस एंड टोटल का कॉलम। मेरे को कितने शेयर्स बेचने थे? 40,000। तो 40,000 इज माय टोटल शेयर्स। अब ये अंडरराइटर ए बी सी में बांटना है, कौन से रेशियो में? तो 5+3 कितना होगा? 8। 8+2 कितना होगा? 10। तो 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 बराबर है। तो यहां पे ग्रॉस लाइबिलिटीज 5:3:2 में कितना आ रहा है? 20,000, 12,000, 8,000 हो गया 40,000। मतलब अंडरराइटर ए ने क्या बोला, कितने शेयर बेचेगा वो, ये कितने शेयर बेचेगा, ये कितने शेयर बेचेगा। समझ में आया? शेयर बिका क्या? नहीं। अभी अपने को एप्लीकेशन रिसीव होगा। अब ये एप्लीकेशन जो भी रिसीव होता है, इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन भी होता है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी होता है। देखते क्वेश्चन में मिला है क्या नहीं। रिस्पेक्टफुली unmarked application total to 2000, whereas marked application whereas follow 16,000, 5,700, 8,300। जरा तीनों को प्लस करो कितना होता है देखो, 16,000 प्लस 5,700 प्लस 8,300, ये मेरा marked application है और ये मेरा unmarked application है। तो total application कितना आया? 32,000 आया ना। 40,000 शेयर्स बेचने थे, एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ, जिसमें दो पार्ट होते मार्क्ड और अनमार्क्ड। बट इधर मैं आंसर बता रहा हूं, टोटल बेचना था 40, बिका सिर्फ 32, तो बैलेंस कितना आएगा? आपका आंसर 8,000 आना चाहिए, नहीं आया मतलब रॉन्ग है। आंसर बता दिया मैंने, 40,000 शेयर बेचना था, 32 ही बिका ना, मार्क्ड अनमार्क्ड मिला के शेयर इतने बिके, तो आंसर कितना आएगा? आंसर 8,000 आना चाहिए, नहीं आया मतलब गड़बड़ किया है कुछ। अब जो एप्लीकेशन है इसके दो पार्ट होते हैं, कौन से होते हैं? एक होता है मार्क, एक होता है अनमार्क। मार्क एप्लीकेशन कितना है? 16,000, 5,700, ए का है 16,000, बी का है 8,000, सॉरी 5,700, और सी का कितना है? टोटल कितना हो गया? 32 में से 30 मार्क है, तो अनमार्क कितना है? इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था। अब ये 2,000 कौन से रेशियो में बटेगा? बताया मैंने, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशियो में बटेगा? 5:3:2 में। तो यहाँ पे ए बी सी 2000 इंटू क्या लिखोगे? 5/10, 2000 3/10, 2000 2/10, इधर आ रहा है आपको 1,600 और 400। वर्किंग डन, ये वर्किंग सब में कॉमन रखना, आंसर सिंपल हो जाएगा, हर सब में ये वर्किंग कॉमन है। अब चलिए स्टार्ट करें। ये मेरा ग्रॉस लाइबिलिटीज था, ग्रॉस लाइबिलिटी में सबसे पहला माइनस करने का मार्क्ड एप्लीकेशन, तो बी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन कितना? ए का 16,000, बी का 5,700, 8,300, 16,000, 5,700, 8,300, टोटल कितना? 30,000। 20 में से 16 जाएगा तो बैलेंस कितना आएगा? क्या बात है, बैलेंस आ गया 4, इधर बैलेंस आ जाएगा 6,300, इधर -300 आएगा। 40 में से 30 जाएगा तो 10, देखो क्रॉस चेक करते, 4,000 प्लस 6,300, 10,300 पॉजिटिव, -300 करेंगे तो 10,000 आएगा ना, दोनों साइड से सेम हो गया। अब
जो भी बैलेंस आया है इसके अंदर माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन इतना, वो लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, पहले ग्रॉस लायबिलिटीज माइनस किया मार्क तो बैलेंस है, फिर माइनस करेंगे, यही फॉर्मेट है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 1,600 और 400, टोटल कितना माइनस करने का 2,000, बैलेंस आ जाएगा 4,000 में से 1,000 जाएगा तो 6,300 में 600 जाएगा तो 5,000, माइनस 300 में माइनस 400 करेंगे माइनस 700। हाँ, शेयर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर ये सब पॉजिटिव होता 8,000 आंसर आ गया था, बट इधर एक शेयर्स नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि जब मैंने ग्रॉस लायबिलिटीज में एडजस्ट किया, इसने जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने तो पहले बार में क्लियर, बल्कि ज्यादा एप्लीकेशन आया उसका, तो जो इसका ज्यादा एप्लीकेशन है वो किसके साथ एडजस्ट होगा, जिनके पास शेयर्स बिके नहीं है उनके साथ, इसका शेयर्स बिका है क्या, इसका बिका है क्या, इन्होंने इतना बेचने का प्रॉमिस किया था बट इतना ही बिका ना, 15,000 ही बिका है, 16+1 17,000 ही बिका है, तो 3,000 अभी बिकने का बाकी है, इसका ही बाकी है, तो जो इसका नेगेटिव बैलेंस आया है वो हम क्या करेंगे पॉजिटिव के साथ एडजस्ट करेंगे, तो जब भी शेयर्स नेगेटिव में आएगा जितने का भी आएगा उनको किसके साथ एडजस्ट करने का, पॉजिटिव के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव में 2 अंडरराइटर्स है और 2 अंडरराइटर का रेशियो क्या है 5:3, तो 700 को कौन से रेशियो में बांटने वाले हम लोग, 700 बांटने वाला है 700 × 5/8, गलती मत करना डिवाइड बाय 10 करने की, 8 कैसे, ए और बी है ना, इधर गलती स्टूडेंट से यही होती है, 700 × 5/10 करते गलत हो गया, समझ में आया क्या, क्लियर, तो डिवाइड करके चेक करो कितना आ रहा है, और इधर आएगा 700 × 3/8, पॉइंट में रहेगा शायद आंसर, है ना, पॉइंट में ही रहेगा, तो लेस, इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट एडजस्टेड, 5:3 में इसको आ रहा है 438 पॉइंट जो भी रहेगा, और यहाँ पे 262, इसका 700 एडजस्ट हो गया, इधर डैश 700 आया 700 गया तो जीरो रहेगा, अब बैलेंस 3000 में 438 माइनस कर दो तो बैलेंस आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे 2562, 5700 में ये माइनस करो कितना आ रहा है आपको देखो जरा 534 करके चेक करना, क्योंकि मैनुअल मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे तो जीरो हो गया, अब इन दोनों को प्लस करो देखो कितना आ रहा है, ये दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है 8000 ही आना चाहिए, ठीक है डन, मैंने आंसर पहले बता दिया था, टॉपिक समझा पक्का, सोपा वाटता है, कर सकते, हाँ एक और सम करेंगे फिर वाइंड अप करता हूँ आज का क्लास, चल ठीक है, और एक सम करते हैं, संपदा लिमिटेड वॉज फॉर्म विद अ कैपिटल ऑफ ₹20 लाख, वेरी इंपॉर्टेंट दिनेश, 20 लाख का कैपिटल है, 20 लाख शेयर्स नहीं बेचने के, 20 लाख का कैपिटल है डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स है, मतलब बेचना कितना है 2 लाख, बराबर है 2 लाख इक्विटी शेयर्स, एक का वैल्यू 10 तो 20 लाख हो ही जाएगा, ऑल शेयर वेयर इश्यू टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, सारे 2 लाख हमने पब्लिक को बेचने के लिए निकाले, द इशू वॉज अंडर राइटर एज फॉलो, भाई हमारे पास अंडर राइटर आया, अजय आया बोला 80,000 शेयर्स तो मैं बेच के दूंगा सर, विजय आया 60,000 शेयर्स, एंड रजत आया बोला 60,000 शेयर्स, तो 80, 60, 60, 8:6:6, 2 लाख होएगा ही, बराबर है, चलिए तो कंपनी का कैपेसिटी कितना था भाई, कंपनी का कैपेसिटी था 2 लाख, 2 लाख कौन से रेशियो में बटने वाला है, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या है 80, 60, 60, सबका 0, 0, 0 कैंसिल हो जाएगा, 8:6:6 और छोटा भी हो सकता है, 4 जा 3 जा 3 जा, 4:3:3 भी हो सकता है, 2 के टेबल्स है, तो चलिए 2 लाख × ये रेशियो लेना तो ये, या 4:3:2 जो आपको लेने का, आंसर खाली सेम आने वाला 80,000 60,000 60,000 वही आएगा, बराबर डन, क्या इतने शेयर्स बिके क्या, नहीं, तो जो भी कंपनी का कैपेसिटी था उसमें देखना पड़ेगा एप्लीकेशन कितना आया, पढ़ते मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर इन द फेवर ऑफ अजय 32,000, बिजॉय 58,000, रजत 42,000, जरा टोटल कर लेंगे तो बेटर है, 32 + 58 = 90, 90 + 42 = 1,32,000, एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर वेयर नॉट मार्क्ड, 1,32,000
प्लस 30 कितना हो गया, तो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना आया, समझा? 2 लाख बेचना था, 162 ही बिका है, कितना बैलेंस आएगा? 38. तो अपना आंसर 38 आना चाहिए, वर्किंग समझा? अब जो एप्लीकेशन आया इसके कितने पार्ट्स होते हैं, एक मार्क्ड और एक अनमार्क्ड होता है। मार्क्ड एप्लीकेशन तो डायरेक्टली दिया रहता है, ए बी सी, अजय, विजय और रजत, यहाँ पे सी लिखा बट रजत का नाम आ जाएगा। 32, 58 और 42 कितना हो गया, 132। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, 30। कौन से रेशियो में बटेगा, 8:6 GLR में बढ़ जाएगा, तो ABC को GLR में बांट दिया, 8/20, 6/20, 6/20। कैंसिलेशन आई होप आता है ये, तो इधर आ जाएगा आपको 12,009,009। वर्किंग क्लियर, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी से माइनस करेंगे क्या, पहला मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन 32,000, 58,000, 42,000, टोटल कितना मार्क, 132। आंसर 80 में से 32 जाएगा तो कितना आएगा, 48, 2 and 18, आंसर हो गया 68,000। डन है यहाँ तक, एनी डाउट, 100% क्लियर, वेरी गुड। अब इसके अंदर हम माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, 12,000, 9,000, 9,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है चेक कर लो बाबा। तो यहाँ पे 48 में 12 जाएगा तो आपके पास 36, 2000 में 9 तो माइनस 7000 आ जाएगा, 18 में 8 जाएगा 9 जाएगा तो 9000, 38 आंसर 38 आना चाहिए था, बट नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को एडजस्ट करेंगे तो क्रेडिट एडजस्ट करेंगे किसका, बी का, किसके साथ, ए और सी के साथ। ए का रेशियो है 8 और इसका है 6, 8 और 6 मतलब 14, रेशियो याद रखना है। तो यहाँ पे हमको 7000 कैसे डिवाइड करोगे भाई, 7000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 14, वेरी गुड, 4000, और इधर 7000 इंटू 6/14, 3000। तो ये ए को एडजस्ट होगा और ये सी को एडजस्ट होगा, मतलब रजत को होगा, ठीक है। ए बी सी लिखा है बट आपको ध्यान में रखना है कि नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 4000, इसका पॉजिटिव 7000 और इधर नेगेटिव 3000 एडजस्ट करना, तो ये जीरो हो जाएगा। बैलेंस 36000 में 4000 माइनस होगा, 32000 आएगा, ये तो जीरो हो गया। 9000 में 3000 जाएगा तो 6000 आएगा, 32 + 6 = 38000। टॉपिक समझ में आया, थोड़े ट्विस्ट टर्न्स आएंगे, फॉर्मेट यही रहेगा, वर्किंग थोड़ा सा एक दो चीजों में चेंज होगा बट कंसेप्ट नहीं चेंज होगा, कंसेप्ट यही है, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब क्वेश्चन में ट्विस्टिंग यही है, लैंग्वेज थोड़े से चेंज करें, थोड़े ट्विस्ट देंगे बट टॉपिक में कोई डेबिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, यही फॉर्मेट और सब यही रहेगा, और आंसर भी पहले ही मैं सब वर्किंग में बता दूंगा, तो आपके दिमाग में कि मेरे को ये आंसर है मतलब मैं राइट हूँ, तो टेंशन नहीं है टॉपिक, समझा क्या? तो आज इतना ही करते, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।